नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डेली चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो निफ्टी स्पॉट का, ये डेली का चार्ट है, तो हम डेली और वीकली के चार्ट के बारे में, हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लेवल किस तरह मैच हो रही है हमारी। तो डेली चार्ट के ऊपर ये जो रेंज, आप रेंज ट्रेंड लाइन की रेंज थी यहाँ पर, जैसे देख रहे हो आपकी 11,000 के आसपास, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। सिर्फ ये दो कैंडल उसने क्लोजिंग दी, फिर से तीसरी कैंडल ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि ये लेवल इसको पसंद नहीं, नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के चांसेस, मतलब ये फिर से ट्रेंड साइडवाइज मूवमेंट। जब तक ये ऊपर 11,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ऊपर के आप लेवल पकड़ नहीं सकते हो। अगर डेली के चार्ट के बजाय हम इसको वीकली में कन्वर्ट करोगे, तो वीकली में आप देख सकते हो कि 11,200 के आसपास ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंट बन के आ रहा है। तो इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये ऊपर की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और सपोर्ट भी एक अच्छा खासा बन के हमारे सामने है वीकली चार्ट के ऊपर, 10,700 के आसपास सपोर्ट बन के आ रहा है। तो देखते हैं अभी ये कौन सा लेवल ब्रेकआउट करेगा, तो इसके ऊपर हमारा डिपेंड है शॉर्ट टर्म व्यू। अगर डेली में आपको इंट्राडे में काम करना है, तो आपको इंट्राडे चार्ट ही प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर इस समय कुछ ऑप्शन स्ट्राइकल या ऑप्शन कॉल और पुट राइटिंग आप तो यहाँ पर सोच सकते हैं, उसमें ज़्यादा मुनाफे होने के चांसेस है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो डेली के ऊपर ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी, तो यही ये क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग जब भी देगा तभी अपसाइड का मोमेंट है। अनलेस यहाँ से फिर से नीचे की तरफ ये जो मोमेंट है, आप जो रेंज देख रहे हैं, तो इसी के आसपास ये खेलने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा डेली का व्यू था। अगर वीकली को इसी चार्ट को कन्वर्ट करेंगे हम, तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि यही सपोर्ट लाइन तैयार हो रही है 26,450 के आसपास, तो ये एक अच्छा खासा वीकली सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे जब भी क्लोजिंग होगी तभी नीचे के लेवल पॉसिबल है, नहीं तो ये एक सपोर्ट बन के हमारे सामने वीकली बेस पे खड़ा है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली व्यू। और आज हम एनालिसिस करेंगे जो रेंज ब्रेकआउट करके जो डेली चार्ट के ऊपर हमें कौन से सिग्नल मिले हैं, तो मैं वो सिग्नल आपको बताता हूँ, और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो 8 तारीख का हम स्कैन करते हैं दोस्तों, कि 8 तारीख में हमें कौन से स्टॉक मिले हैं FNO के। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने वॉच लिस्ट में FNO के स्टॉक ऐड करके रखे हैं, तो यहाँ पर FNO में लगभग मुझे डेली चार्ट के ऊपर सिर्फ दो सिग्नल बाय मोड में आए हैं, डिश टीवी, आईसीआईसीआई अप्रिल, बाकी के इक्विटास, KSEL, MGL ये सेल मोड में है। तो इसके एक एक चार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप डिश टीवी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, कि डिश टीवी में वही एक पॉजिटिव कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर के हमारे सामने है, लेकिन आप ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर जब भी जाएगा तभी कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप ये पकड़ सकते हो कि इसका टारगेट ये हो सकता है। तो ये एक्चुअली इसका टारगेट है आप 34 रुपीज़ के आसपास, 33,495, तो ये इसका टारगेट है। तो जब तक कि इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करोगे, तभी ये एक दो डेढ़ दो पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो ये डिश टीवी का हमारा हो गया। फिर आईसीआईसीआई प्रूले में हमें बाय बताया है, तो आईसीआईसीआई भी सेम वही मूवमेंट है, जैसे कि ये बड़ी कैंडल के आसपास ही हमें टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर एक रेंज निकल के सामने आई, वो 330 की टारगेट को आप पकड़ सकते हो यहाँ पर। तो जब तक कि लेकिन ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, 317 के ऊपर, तभी एक ऊपर 10-15 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो ये आईसीआईसीआई प्रूली की, और बाकी के स्टॉक आप जैसे देखना है कि देख रहे हो कि इक्विटास सेल मोड में है, तो इक्विटास को भी आपने देखा कि एक सपोर्ट लाइन के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो इसके नीचे अगर जाएगा तो आप ये लेवल पकड़ सकते हो जो वीकली फिबोनाची लेवल है, जैसे कि इसकी फिलहाल क्लोजिंग 113 की है और लो बनाया था 112.4 का। तो इसका अगर इसके नीचे लेवल आप देखोगे, तो
112 के 4 के नीचे आप 109 और 105 के लेवल देख रहे हो, तो ये आपको, ये आपका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप यही सपोर्ट लाइन भी पकड़ सकते हो, जब तक कि ये इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे जब तक थोड़ी देर के लिए सस्टेन रह पाएगा, तब तक आप ये नीचे के लेवल एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ से एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी आ सकता है, तो ये आप देख लेना। और सुबह अगर इंट्राडे में आपको करना है, अगर इसमें तो ओपन है सेम रहता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको क्लियरली आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो हाई होगा तो वही। अगर ओपन लॉस सेम रहता है तो आप शॉर्ट करना अवॉइड कीजिए, तो उसको तुरंत इसको बाय कीजिए और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए लो के आसपास, और एक अच्छा खासा मोमेंट आपको 0.5% 1% का मोमेंट आप देख सकते हो उसमें। तो ये स्ट्रेटजी आपको उस सुबह देखनी पड़ेगी कि स्टॉक किस तरह, मार्केट किस तरह ओपन हुआ है, तो उसके साथ आप ट्रेंड के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। तो कैश सेल की बात करें तो कैश सेल में भी आप देखोगे कि वही सेम पैटर्न हमें ब्रेकआउट का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 200 मूविंग के एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है इसकी, इसका लगभग लो आप देख रहे हो 543 का है, तो इसके नीचे के लेवल 543 के नीचे आप देख सकते हो 530 का लेवल सामने आया हमारा, तो ये भी एक अच्छा बेयरिश मोड में दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 543 के नीचे, तो 530 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और एमजीएल के बात करें तो एमजीएल में ये सिर्फ एक रेंज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके आया है, लेकिन अब ये स्टॉक 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर ही है, तो इसका भी आप देख सकते हो कि इसके, इसका अगर लो टूटेगा तो इसके नीचे के आप 918 के नीचे आप देख सकते हो, सबसे पहला एक सपोर्ट लेवल है 908, और पिछले वीक का जो लो है 894 का, तो वो सपोर्ट है इसका। नेस्ले इंडिया भी देखोगे तो नेस्ले इंडिया भी सेम अच्छा खासा एक पैटर्न दे के नीचे की तरफ क्लोज दिया है, बहुत बड़ी कैंडल है इसकी, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ क्लोज दिया है, तो यहाँ पर इसके नीचे आप देखोगे कि एक सपोर्ट लाइन बन के आ रही है, तो आप यहाँ तक 200 मूविंग के आसपास इसका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा तो इसका सबसे पहला एक मेजर रजिस्टर रहेगा, ये आप देख रहे हो 321 351 का, जब तक कि इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं भागेगा, ये तो नीचे की तरफ ही आ सकता है शॉर्ट टर्म मूव में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 200 मूविंग के आसपास ये आने की कोशिश करेगा नेस्ले इंडिया। और अलाहाबाद बैंक के बारे में आगे और हम देखेंगे, अलाहाबाद बैंक में भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, और इसका जो सपोर्ट लेवल भी तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा इसका 38.60 का। तो आप ये इंट्राडे को अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत कॉशियसली आप ट्रेड करना, जैसे कि मार्केट का मोमेंट होगा तो उसी के साथ आप ट्रेड करना, ओपन हाई सेम रहेगा तो आप शॉर्ट करके ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो उसको स्टॉक को। और जो भी आपको अगर ये लेवल दिख रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म या एक दो दिन के लिए आप फ्यूचर में ऑप्शन में पोजिशन बनाना चाहते हो, तो ये स्ट्रिक्टली आप वीकली लेवल फिबोनाची के फॉलो कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह एनालिसिस करते हैं, आपका ट्रेंड मतलब इंट्राडे में आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन करते हैं, किस कौन से टूल के साथ आप यूज़ करते हैं, तो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप, मैंने सिर्फ यहाँ पर मेरे स्कैनिंग में जो स्टॉक आए तो उसके बारे में आप चर्चा की है। तो अगर ये आपको स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने इंट्राडे के लिए इस स्टॉक को ऐड कर सकते हो, या कुछ दिनों के लिए भी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो लेवल के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन फिर से एक नई वीडियो के साथ, डेली वीडियो में, कि जिस तरह हम इंट्राडे में मेरे स्कैनिंग द्वारा कौन से स्टॉक निकलते हैं, कौन से रेंज ब्रेकआउट है, तो हम इसके ऊपर एक थोड़ा सा व्यू ज़रूर रखेंगे।